तो फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पे 42 का बैच है, एलईडी टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सो ये सब चीज़ें आपको पिराक में नहीं मिलती है, पिराक में आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, बट यहाँ पे एलईडी है, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे बात की जाए तो आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है जो कि पिराक में ही मिलता है, नॉट अ डिफरेंस, और आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं, ट्यूबलेस नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पोक्ड व्हील्स मिल रहे हैं, तो ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ट्यूब टायर्स हैं, अगर पंचर होता है तो दिक्कत होने वाली है, दैट फॉर श्योर। ये सब चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन देखो, पिराक में ना आपको सब कुछ ब्लैक्ड आउट मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम है, कलर है, जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है, तो दिस लुक्स बेटर टू मी ऑल्सो दैट, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो इंजन के बारे में बात की जाए तो आपको 334 सीसी का एयर प्लस लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, ये प्रोड्यूस करता है 30.64 पीएस एंड 32.74 एनएम का टॉर्क। अभी इससे पावर आवर कैसी हो?